हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में काफी मजा आने वाला है क्योंकि हम करने वाले हैं अपने वन प्लस इलेवन का कैमरा टेस्ट एंड साथ में मैं आपको इसमें फीचर्स भी बताऊंगा। वन प्लस इलेवन को हम करने वाले हैं अपने कैमरा से कंपेयर एंड मजे की बात ये है, हमारा कैमरा भी 60,000 का है एंड हमारा मोबाइल भी 60,000 का। तो देखते हैं क्या वन प्लस इलेवन कैमरा को बीट कर पाती है। तो पहले तो मैं आपको इसका मेन कैमरा सेटअप बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है एंड अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल के एंड पोर्ट्रेट 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। एंड नीचे का बात किया जाए तो इसमें आपको एक लाइटिंग सेटअप मिल जाएगा जिसके अंदर आपको तीन छोटे छोटे अलग से लाइट देखने को मिल जाएगी। वन प्लस और हैसलब्लैड ने जब से यहाँ पे साथ में गठबंधन किया है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कैमरा का डिजाइन बहुत से अलग देखने को मिल जाएगा एंड साथ में इसका पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ही देखने को मिलेगा इन साथ में आपको कलर टोन मिल जाएगी। कैमरा में बहुत सी अलग अलग फीचर्स इसमें आ गई है। अब हम करेंगे अपने कैमरा का टेस्ट, तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसका कैमरा क्वालिटी। तो यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कलर टोन एंड टेक्सचर यहाँ पे वन प्लस ने सारे को एकदम सही तरीक़ा से मैनेज करके हमें पिक्चर क्वालिटी को क्लिक करके दे दिया है। एंड मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि आपको ये पिक्चर क्वालिटी कैसा मिलता है। अब हमने इसका 2x जूम पे फोटो लिया एंड यहाँ पे आप फोटो क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको बहुत ही शार्प एंड क्लीन देखने को मिल जाएगा। एंड मैं इसको फिर से इसका भी जूम क्वालिटी दिखा देता हूँ तो 2x जूम पे भी इसका कोई भी पिक्सल क्वालिटी डैमेज देखने को नहीं मिलता, हालांकि पिक्चर आपको यहाँ पे भी एकदम सही देखने को मिल जाएगी। फिर मैंने इसका 5x ट्राई किया तो यहाँ पे आप 5x पे भी इसका पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, 5x में भी काफ़ी फार परफॉर्मेंस रहा है पिक्चर क्वालिटी में वन प्लस एलेवन का, यहाँ पे भी आपको बहुत ही सही पिक्चर्स देखने को मिल जाती है। हमने इस फ़ोन के साथ 1x एंड 2x 5x तक पिक्चर क्वालिटी हमने ले लिया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे और भी एक्सट्रीम जूमिंग टेस्ट किया जाए। तो हम जूम कर ही रहे थे कि हमारे सामने ऊपर दिखाई दिए ये कौवा, तो हमने सोचा कि इसका पिक्चर लेना परफेक्ट रहेगा, आपको एकदम क्लैरिटी सही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका 10x जूम पे फोटो क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको एक बड़ा सब्जेक्ट भी देखने को मिल जा रहा है एंड साथ में आपको एक छोटा सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्वालिटी सही से पता लग जाएगा। तो पिक्चर क्वालिटी कैसा है आप खुद ही देख के पता कर सकते हो। फिर मैंने इसमें 20x जूम पे भी काफ़ी सारा फ़ोटो निकाले तो यहाँ पे आप फोटो क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे खुद समझ में आ जाएगा इसका फ़ोटो क्वालिटी। एंड 20x में आपको जूम में आपको पता लग जाएगा जहाँ पे बड़ा सब्जेक्ट है वहाँ पे फ़ोटो थोड़ा साफ देखने को आपको मिल जाएगा एंड जहाँ पे छोटा सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको थोड़ा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, फ़ोटो क्वालिटी अच्छी आ जाती है। फिर भी मैंने इसमें अल्ट्रा वाइड भी फ़ोटो लिया तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड भी फ़ोटो देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिलेगा, क्वालिटी भी एकदम सही इसमें मिल जाती है आपको। हमने इसमें इसका मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड दोनों ही ट्राई कर लिया, दोनों का परफॉर्मेंस एकदम काफ़ी कमाल का देखने को मिला है एंड थोड़ा बहुत हमें कंप्रोमाइज़ भी करने को मिला है। हमने तो इस फ़ोन को काफ़ी सारे सब्जेक्ट पे फ़ोटो निकाल के इसका इमेज क्वालिटी टेस्ट किया, लेकिन अब बारी आता है इसका इंसानों के ऊपर फ़ोटो का ट्राई किया जाए। तो आइए हम आपको इसका फ़ोटो सैंपल दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा छोटू एंड मैं इसका फ़ोटो आपको ले कर दिखाऊँगा। तो इसमें आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो, ये फ़ोटो बिना कोई फिल्टर एंड बिना कोई इफ़ेक्ट के हमने लिया है, तो यहाँ पे फ़ोटो का क्वालिटी देख सकते हो, एकदम आपको फ़ोटो क्वालिटी शार्प देखने को मिलेगा एंड जो इसका कलर टोन आपको देखने को मिलेगा एकदम नेचुरल कलर टोन आपको देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी भी काफ़ी सही दे रहा है यहाँ पे। एंड मैंने ये जो फ़ोटो लिया है 1x 2x एंड 3x 5x जूम तक भी करके लिया है, तो यहाँ पे फ़ोटो का क्वालिटी आप सब देख सकते हो, अल्ट्रा वाइड भी फ़ोटो लिया हूँ, अल्ट्रा वाइड का भी क्वालिटी काफ़ी सही देखने को आपको मिल जाएगा। एंड इसका फ्रंट कैमरा का बात किया जाए तो फ्रंट कैमरा आपको बहुत ही कमाल का देखने को
मिल जाएगा यहाँ पे। फ्रंट कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, पिक्चर्स काफ़ी शार्प देखने को आपको मिलेगी। एंड मैंने इसको ट्राई करने के लिए धूप के अपोजिट मैंने फ़ोटो कुछ लिया, इसका HDR हमने ट्राई किया तो HDR में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला, आप फोटो में खुद ही देख सकते हो। मुझे इसका HDR काफ़ी सही लगा। एंड इसके फ्रंट कैमरा में आप 180p तक वीडियो को शूट कर पाओगे। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हम फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं, एंड वीडियो का क्वालिटी एंड ऑडियो सब आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। एंड मैं ये जो वीडियो है वर्क करके ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वीडियो का स्टेबलाइज भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिल जाएगी। एंड ये वीडियो आप जो देख रहे हो ये हमारा OnePlus 11 से शूट हो रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको कैमरा का एक फोटो सैंपल आपको दिखाने वाला हूँ, तो हमारे कैमरा में कैसे फोटो सैंपल आता है तो चलिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कैमरा का सैंपल दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा का क्वालिटी देख सकते हो। एंड साइड में मैं 1x जूम वाला हम OnePlus 11 का फोटो दिखा दूंगा, तो यहाँ पे आप खुद कंपेयर करके देख सकते हो किसका फोटो आपको सही देखने को मिल रहा है। मैंने इसका स्टेबलाइज चेक करने के लिए इस वीडियो में चल के शूट किया है, तो यहाँ पे आप वीडियो का स्टेबलाइज चेक कर सकते हो, एकदम स्मूथ स्टेबलाइज देखने को मिल जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप एक गिम्बल से वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन इस फोन में अगर आप स्लो मोशन ट्राई करोगे तो स्लो मोशन में आपको स्लोमो काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाएगा, एकदम स्लोमो मिलेगा आपको बढ़िया सा। लेकिन इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें आईफोन में देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं आईफोन के अंदर हमें विविड एंड वार्म दो फिल्टर टोन देखने को मिल जाता है, तो मैंने भी इस फ़ोन के अंदर दो फिल्टर टोन ट्राई किए, तो उसका आप पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी आपको काफ़ी सही देखने को मिलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, इस फोन के बारे में मैं आपको जितना पता हूँ उतना कम है। एंड लेकिन मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें इसके सारे अच्छे फीचर्स बताने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो आप चेकआउट जरूर करना।